अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए सवाल किया है कि क्या फेसबुक बजरंग दल को लेकर भारत और भारतीय संसद से झूठ बोल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक यूएस का कहना है कि बजरंग दल से जुड़ी सामग्री आपत्तिजनक है और उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। फेसबुक इंडिया संसदीय समिति से बोलता है कि बजरंग दल की सामग्री आपत्तिजनक नहीं है। क्या फेसबुक भारत और संसद से झूठ बोल रहा है, ऐसा राहुल ने पूछा है। गौरतलब है कि फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजित मोहन ने बुधवार को संसद की एक समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी की तथ्य अन्वेषण टीम को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत हो। मोहन बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए। समिति ने उन्हें नागरिक डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर तलब किया था। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात से जुड़े आंतरिक मूल्यांकन के बावजूद फेसबुक यूएस ने वित्तीय कारणों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं के कारण उस पर अंकुश नहीं लगाया। फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजित मोहन और फेसबुक के लोक नीति निदेशक शिवनाथ ठुकराल बुधवार को संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए थे। सूत्रों ने बताया कि शशि थरूर के साथ कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने मोहन से बजरंग दल पर प्रतिबंध से जुड़ी वॉल स्ट्रीट जर्नल की हाल की रिपोर्ट के बारे में सवाल किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है, बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात से जुड़े आंतरिक मूल्यांकन के बावजूद फेसबुक ने वित्तीय कारणों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं के कारण उस पर लगाम नहीं लगाई। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक में पूछा कि अगर बजरंग दल को लेकर सोशल मीडिया नीतियों के उल्लंघन की बात नहीं पाई गई है तब फेसबुक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को खारिज कर उन्हें फर्जी क्यों नहीं बताया। बहरहाल, दूसरी ओर कांग्रेस पर चल रही उठा पटक की बात करें तो पार्टी में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल कुछ नेता शनिवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी के साथ इन नेताओं की मुलाकात की भूमिका तैयार करने में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अहम भूमिका है और 19 अगस्त की इस प्रस्तावित बैठक में वह भी शामिल होंगे। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले ही सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल एक नेता ने इसकी पुष्टि की है कि उन्हें सोनिया से मुलाकात के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनिया से कुछ ऐसे नेता भी मिल सकते हैं जो लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, हालांकि वे पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में शामिल नहीं हैं। मुलाकात के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के उपस्थित रहने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि इस ताज़ा घटनाक्रम में प्रियंका की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सुलह की गुंजाइश बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि गत अगस्त महीने में गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के लिए सक्रिय अध्यक्ष होने और व्यापक संगठनात्मक बदलाव करने की मांग की थी। इसे कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार को चुनौती दिए जाने के तौर पर लिया। कई नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ प्रदेशों के उपचुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी आज़ाद और सिब्बल ने पार्टी की कार्यशैली की खुलकर आलोचना की थी और इसमें व्यापक बदलाव की मांग की थी। इसके बाद वे फिर से कांग्रेस के कई नेताओं के निशाने पर आ गए। हाल ही में हैदराबाद और अब केरल के भी निकाय चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना है और उसे उन लोगों के साथ बैठक बुलानी पड़ी है जो लंबे समय से गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष चाहते हैं। देखना होगा कि इस बैठक से क्या निकल कर आता है।